अस्सलामु अलैकुम, मैं मकसूद मकांडा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज जो हम यहाँ पर जमा होकर है, हमारा जमा होने का मकसद है कि हमारे मुल्क रियासत में आए दिन क्या है, मुसलमानों के का कत्लेआम हो रहा है। यहाँ पे क्या है, बॉम ब्लिंचिंग हो रही है। एक कौन सा भी जिसे कुछ भी मर्यादा नहीं है, नॉलेज नहीं है, वैसे इश्यूज को इश्यूज बनाना और वैसे इश्यूज के ऊपर मुसलमानों का क्या है कत्लेआम करना। एक 10-12 लोग जमा होना, एक मुसलमान मिलते ही उसके क्या है उसके ऊपर तशद्दुद करना, उसके ऊपर जुल्म करना, उसे लाठीबारी करना, उसके ऊपर क्या है उसे शहीद कर देना, यानी कि उसे मार देना। ऐसे सब हालत हमारे मुल्क के आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप भी हाल ही में हम देखे रहेंगे यूपी के अंदर 8 दिन के अंदर, यानी कि 1 दिन के अंदर 12 लोगों का कत्लेआम होकर है। उसका अगर यही आम अगर चलता रहा तो हमारे मुल्क की हालत क्या होगी, यहाँ पे हमारे अमन और भाईचारे का हाल क्या होगा। यहाँ पे जो हम रहते हैं हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर जो हम कम्युनिटी के साथ रहते हैं, जिसे जमुना तंजीम तहजीम हमारी कहा जाती है, वो तहजीम का क्या होगा। अगर ऐसे ही हमारे मुल्क का अगर हालात होते रहे तो हमारा मुल्क एक बहुत बड़ी ऐसे इसमें तबाही में बच जाएगा कि वो तबाही को रोकने वाले के अंजाम बहुत बुरा होगा। तो यहाँ पे जो आरएसएस और बीजेपी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों ने एक आइडियोलॉजी के साथ जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज को क्या है कत्लेआम तो नहीं कर सकते। 20 करोड़ मुसलमानों का माइनॉरिटीज का कत्लेआम नहीं कर सकते। 140 करोड़ आवाम के अंदर तो इनको करेंगे तो करेंगे क्या बोलकर उनके अंदर एक डर बताना, उनको क्या है डर से क्या है उनको खामोश कराना, ये उनकी एक साजिश है, सोची समझी साजिश है। वो साजिश को नाकाम करने के लिए जो आवाम के अंदर जो मजलूम के अंदर उन्होंने एक डर बटाने का काम कर रहे हैं, डर को आवाज को हम क्या है लब्बैक कर करके आए यहाँ पे जो आए कर जमकर है उसके क्या है। और आए दिन हमारे मदरसों के ऊपर मस्जिदों के ऊपर हमले हो रहे हैं। आज करीब में हम देखे रहेंगे हमारे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ पे विशालगढ़ बोलकर हमारे जो दरगाह है वो दरगाह को शहीद कर है, उसके निचले हिस्से में मस्जिद है वो मस्जिद को भी शहीद कर है। ये मस्जिद का इल्जाम मैं सरेआम में आके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा प्रिपेयर प्लान है। रात के वक्त में दंगे फसाद होते हैं, वहाँ पे बिजली गायब होना और उसी टाइम के पुलिस प्रशासन का वहाँ पे मौजूद नहीं होना, ये पूरा एक प्रिपेयर प्लान के साथ हुआ है। आप आज भी जाकर वहाँ पे जायजा लेंगे तो आपको यही दिखेगा कि जब उन्होंने 14 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस किया था कि हम क्या 14 तारीख पे विशालगढ़ के अंदर जाकर जो दरगाह है उसे हम शहीद करेंगे बोलकर ऐलान करके सोशल मीडिया में वायरल करके जाकर, उस वक्त भी अगर पुलिस प्रशासन उसके ऊपर हिकमत अमली के साथ उसे सिक्योरिटी के साथ नहीं कर पाई तो वहाँ की पुलिस कमजोर है। इसका यही सवाल है कि महाराष्ट्र पुलिस कमजोर है, वो वहाँ के जुल्म को रोकने के लायक नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट भी जो अपोजिशन का रोल निभा रही है, वहाँ पे जो भी कारोबार हो रहे हैं ये पूरा क्या है पूरा का पूरा एनडीए गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। अगर एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इंडिया गठबंधन अगर काम नहीं करेगी तो इंडिया गठबंधन को जो जिताए लाए हैं माइनॉरिटीज है सिक्योरिटीज है जो हर एक जगह पे ऐलानत कर जिस टाइम इलेक्शन के बाद देखे रहेंगे आप पूरे प्रिपेयर प्लान के साथ हुकूमत को लाने के लिए जो मेहनत करे, मैं आज उस आवाम से उस लुम्बा इकराम से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो रहा है, हजरत टिप्पू सुल्तान सैयद अवर आदर्श प्रतिरूपी इवतने दिवस बेलगावी जिले समस्त एसडीपीओ भीम आर्मी भारत एकता मिशन कार्यकर्त समाज हिंदू कूड़े जिलाधिकारी मूलक राष्ट्रपति संसद दलित और मुस्लिम लोकसभा सदस्य पत्र कल्ता निन्ने जून जुलाई 14 तारीख महाराष्ट्र मुस्लिम समुदाय विशालगढ़ प्रदेश जाति आधार धर्म आधार अल्पसंख्यात मेले निरंतर दौर्जन्यता बरतक हिंदुत्व हमने उद्देश्यपूर्वक दौर्जन्यतक मनवादी इवती दिवस बेलगाम नेर एचरकोलापुर विशालगढ़ प्रतिभा निरंतर आरंभ ना मुंबर दिन इडी देश कानून मूलक प्रतिभा आरंभ पैस्थि बरतक धर्म हेसर मेले जाति हेसर मेले दौर्जन्यारे विचार इन प्रदेश
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ ಹೊಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ತಯಾರ. सुनो 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 केंद्र बीजेपी सरकार अधिकार बंद कारण दलित मेले दलित हण मुस्लिम मेले मुस्लिम हेण दर्जने मनोवाधिकारी देश संविधान बद्धवा सवि वर्ष निरंतर निरंतर ना उत्तर को बंद इन बार दलित मेले मुस्लिम मेले दर्जन मोड़ी कर्नाटक अगर टिप्पु सुल्तान कल मूलक उत्तर को व्यवस्थे जुर्मान इन महाराष्ट्र दूर कर्नाटक हिड़क काश्मीर हिड़क मन को आप दिल्ली में गद्दी पे तो बैठ कर है लेकिन दिल्ली का हाल क्या है आपको मालूम नहीं है।